हे गाइस, बीटीडीएच का एक और मज़ेदार वीडियो में श्याओयान के फादर को हॉल ऑफ सोल में कैप्चर कर लिया गया। तो अब श्याओयान का क्या होगा और वो क्या करेगा, जानने के लिए वीडियो पूरा देखना। उससे पहले श्याओयान के पिताजी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो गाइस, श्याओयान का फादर का नाम श्याओजान है। श्याओजान का तीन बेटा है, श्याओडिंग, श्याओलिन और श्याओयान। एंड श्याओजान श्याओ क्लान का लीडर है। सो अब कहानी के ओर बढ़ते हैं। जब श्याओयान ने अपने प्रतिभा खो दी और कचरा बन गया था, तब भी श्याओजान उसके प्रति अपना प्यार नहीं खोया, बल्कि वास्तव में अपने बेटे के लिए उसका प्यार और बढ़ गया। श्याओजान और उनके पत्नी ने मिलकर श्याओयान का नाम रखा, क्योंकि यान मीन्स आग, जो फोनिक्स का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि उनका मानना था कि श्याओयान कभी हार नहीं मानेगा। जब श्याओयान ने अपने प्रतिभा खो दी तो श्याओजान ने उसके मदद करने की पूरी कोशिश की। भले ही गुशुनर को छोड़कर बाकी क्लान ने उसे छोड़ दिया था, जब श्याओयान आखिरकार अपने कल्टीवेशन प्रतिभा वापस ले आया, तब उसका डैड उससे काफी खुश था। एंड श्याओ क्लान मार्केट के लिए आदर क्लान से जूझ रहा था, तभी श्याओयान यालाओ के भेस में उनके मदद करने के लिए क्लान में आए और क्लान को बचाने के लिए बहुत सारा एलिक्सर प्रदान किए, जिस कारण श्याओ क्लान आदर क्लान से बेहतर मुकाम हासिल किया। जब उन्हें पता चला कि ज्यालाइनो मारा गया, तो श्याओयान से उसके डैड बातें की और वो मर चुका है। श्याओजान इस बात से काफी खुश था कि जिस क्लान से, यानी जिया क्लान से, जिसे वो लोग बरसों तक लड़ाई की थी, जो उसके बेटे ने गिरा दिया एंड मसले को हमेशा के लिए खत्म किया। एंड श्याओयान 3 ईयर एग्रीमेंट समाप्त होने के बाद क्लान में लौट आया और देखा जियालाई क्लान और आउबा क्लान ने उन्हें घेर लिया। और उन सबको मारने के बाद उसे पता चलता है कि श्याओजान पर मिस्टी क्लाउड सेक्ट का एक बुजुर्ग ने हमला किया था। एंड उसे पता चला कि उसका फादर पर हमला किया जा रहा था जब वो गायब था, जिसे सुनकर श्याओयान के पैरों तले जमीन खिसक गया और वो उसके पापा को हर जगह ढूंढना शुरू कर दिया। फिर श्याओयान को पता लगता है मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के एल्डर यनलैंग ने उसके डैड को गायब किया। फिर श्याओयान मिस्टिक क्लाउड सेक्ट से फिर जाते हैं, क्योंकि टोशी एंशियंट गॉड जेट चाहते थे, जो श्याओ क्लान के कब्जे में थे। और भाई, अभी आप पूछोगे टोशी एंशियंट गॉड क्या है। सो टोशी एंशियंट गॉड जेट एक की है, जिससे टोशी एंशियंट गॉड मेंशन लोकेशन प्रकट होता है। लेकिन टोशी एंशियंट गॉड जेट 8 एंशियंट क्लांस के बीच भाग किया गया था और हर एंशियंट क्लान के पास एक पीस था। एंड हुन क्लान ने सभी 8 पीसेस कलेक्शन करना चालू कर दिया था, ताकि सभी 8 पीसेस को इकट्ठा करके एक कॉम्प्लीट जेट बना पाए, टोशी एंशियंट गॉड जेट मेंशन का एक लोकेशन प्रकट कराने के लिए। टोशी एंशियंट गॉड जेट 8 एंशियंट क्लान में से एक श्याओ क्लान भी है, और जिसके लिए हुन क्लान श्याओयान के फादर को कैप्चर किया पीस हासिल करने के लिए। और अभी मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आप सबको इतना दूर अच्छे से समझ आया, क्योंकि अभी टॉपिक का मेन पार्ट आने वाला है। सो बैठे रहो। जब हॉल ऑफ सोल को श्याओजान से जेट नहीं मिला, क्योंकि उसने इसे श्याओ क्लान में छोड़ दिया था, जहाँ जेट श्याओयान को दी गई थी। श्याओजान को हॉल ऑफ सोल में 10 साल तक कैद करके रखा गया था। एंड जेल में बिताए सालों के दौरान श्याओजान डोगवांग क्लास में आगे बढ़ गया, क्योंकि हॉल ऑफ सोल ने उसे जिंदा रखने के लिए वेरियस मेडिसिनल पिल खिलाया था। और जब श्याओयान हॉल ऑफ सोल से टोशी एंशियंट जेट पीस के बदले में उसके फादर श्याओजान को छुरा लिया, और श्याओजान को अपने बेटे पर गर्व था, क्योंकि श्याओयान हुन क्लान को एकदम मिट्टी में मिला दिया था। और सारी प्रॉब्लम एंड होने पर श्याओयान गुशुनर और काइलिन को मिलाने के लिए ले आया। और जब श्याओजान शूनर से दोबारा मिला, तो उसे लगा कि वो श्याओयान के लिए परफेक्ट वाइफ बन सकती है। एंड तभी श्याओयान अपने पिताजी से कहा कि काओलिन आप श्याओ क्लान का हिस्सा है, तो वो भाई थ्रिल्ड हो गया। जब उन्हें काइलिन से मिलवाया गया, तो उन्हें भी सरप्राइज्ड हुआ, क्योंकि काइलिन ही क्वीन मेडुसा होती है। फिर श्याओयान बताते हैं कि उनके ग्रैंड डॉटर उनका इंतजार कर रहा है, जिसे उन्हें लगा कि उनका बेटा तो कुछ ज़्यादा ही तरक्की कर लिया। तो गाइस, शूनर एंड श्याओयान को जो देखना चाहते हैं भाई, वो लोग अपने दिल में तोड़ना, क्योंकि शूनर ही श्याओयान की सेकेंड वाइफ होगी। सो वो जानने के लिए हमारे अगले वीडियो का वेट करना, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना होगा।